पेट्रोल हमें एक काले और गाढ़े तरल पदार्थ से मिलता है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम लैटिन भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ है चट्टानों से निकलने वाला तेल। पेट्रोलियम जमीन के अंदर से निकाला जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह तेल जमीन के अंदर कैसे बनता है? यह एक बड़ा दिलचस्प विषय है। हजारों लाखों साल पहले पौधे और जानवर जमीन के अंदर पृथ्वी की उथल पुथल के कारण दब गए होंगे। अत्यंत दबाव और गर्मी के कारण यही मृत पौधे और जानवर पेट्रोलियम में बदल गए। मनुष्य ने समुद्र के अंदर पेट्रोलियम के ऐसे भंडार का पता लगाया और समुद्र की चट्टानों से इस काले तरल पदार्थ को निकालना शुरू कर दिया। पेट्रोलियम के कुएं होते हैं, जिनमें से कच्चा तेल निकाला जाता है। इस तेल में पेट्रोल, नेफ्त, केरोसिन, डीजल, मोम, पिच आदि चीजें होती हैं। अब इसके बाद शुरू होता है कारखाने का काम। कच्चे तेल को साफ करने के लिए कारखानों में लाया जाता है। इन कारखानों को पेट्रोल रिफाइनरीज कहते हैं। कच्चे तेल को बड़े बड़े बेलनाकार बर्तनों में डालकर गर्म किया जाता है। अलग अलग तापमान पर कच्चे तेल में उपस्थित चीजें अलग अलग पाइपों द्वारा निकाल ली जाती है। इस प्रकार पेट्रोलियम का एक हिस्सा पेट्रोल के रूप में प्राप्त हो जाता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जाकर बताना ना भूलें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं।